मैंने ये चीज सुनी काफी बार है लेकिन आज रियलाइज कर रहा हूं कि सूर्यवंशम मूवी में जो मेन फीमेल है कैरेक्टर उनकी वॉइस डब है रेखा ने सूर्यवंशम सूर्यवंशम सूर्य में, में जो कलेक्टर बीवी होती है कलेक्टर अमिताभ बच्चन की वाइफ वाला कैरेक्टर दैट वॉइस इज डब्ड बाय रेखा भाई अब मुझे लग रहा है कि हाँ वही आवाज होती है ना जो बोलती है कि मेरे पति बस चलाते थे तो है। है। रॉयल्टी है ना उनकी आवाज में हाँ हाँ ओ, हाँ ओ, ओ, अभी गॉड टाइम गॉड टाइम डू ऐसा होता है क्या ये लोग डबिंग के टाइम में एक्टर एक्ट्रेस नहीं हो सकता है

सोच यार अमित जी ने भी कितना लंबा धोखा दिया आप उनको भी उन्होंने पिक्चर पिक्चर में में डबल तो रोल में डबल रोल किया है भाई अमित जी ने अरे वो, उस, उनका एक पॉडकास्ट चल रहा है नव्य नवेली नंदा है ना हाँ। तो अमिताभ बच्चन की कुछ ऐसे लगती है तो पॉडकास्ट चलाती है और मतलब हर कुछ हफ्तों में जया जी हाँ बताया बताया हां वो पॉडकास्ट करते हो तो उसमें बोला था कि माय हस्बैंड इज माय बेस्ट फ्रेंड मैं मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ का मैं कहते क्या बोला इस औरत ने पहली बार फिर, फिर पति की तारीफ कर रहे हैं सेम रिएक्शन तो अमिताभ बच्चन का भी होगा अरे घर पे बर्तन धोते-धोते रुक गए होंगे यार एक मिनट वो हाँ वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही कि आप आप बैठ गए अरे साला क्या सात करोड़ सात करोड़ भाई यार मैं थोड़ा सा ये रेखा वाली बात सुन के और पता करो और रील... पता करो कि कहां कहां पे एक साथ देखे बापे राजी भाई तो ये ये मुझे बता है, आप सबको अमिताभ बच्चन रेखा का एंगल पता है ठीक ना लेकिन किसी को अमिताभ बच्चन और जया जी का एंगल नहीं पता कि क्यों क्या कैसे ठीक है तो किसी ने मुझे रील शेयर की हुई थी कि अमिताभ बच्चन और जया जी का जो एक मूवी आई थी कोई साथ में और दोनों क्या हददार रोमांटिक थे मूवी में ऑल नेचुरल लग रहा था तो तुम देख भाई तुम देख के बता नहीं सकते कि औरत कभी गुस्सा कर सकती है देखो तो ये ऐसा तुमको भी लगेगा शादी के पहले शादी के पहले या या पहले कि औरत दोनों ये तो गुस्सा कर ही नहीं सकती ये ये सकती ये, ये औरत ये तो हगती भी नहीं होगी गुस्सा करेगी चार में लिख रहा है माँ का भी रेखा ने डब किया था भाई बस करो यार बस कर अब मैं अब मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं बस करो भाई <laughs> ये बन गई अपनी सुपर चैट वाली वीडियो भाई यार अभी अभी अमिताभ बच्चन के लिस्ट से भी ब्लैक लिस्ट होते हुए हाँ। भाई ब्लैक लिस्ट मेरे को लग रहा है कोई किसी दिन मरवाना दे अपने को <laughs> पता चल रहा है खबर आ रही है कि तीन अलग अलग शहरों में एक ही समय पे तीन नौजवानों की मौत <laughs> एक महाराष्ट्र एक मध्य प्रदेश एक यूपी, यूपी। इसने चलवाई गोली किसी को नहीं पता योगी एक जी, जी का चुरा अर, एक का छुरा मार के एक का छुरा मार के हत्या हो गई एक हाँ। को जिंदा जला दिया एक को गोली मार दी <laughs> योगी जी जैसे स्टेटमेंट देने जा रहे होंगे बच्चन जी कंधे पे आता के अच्छा ओके जी बच्चन जी अच्छा आप क्या वक्त नहीं लिखा भी हुआ है कि मैं विकीपीडिया पढ़ रहा हूँ जो थी जया शुदा ठीक ना शारदा ठाकुर भानुज वाइफ उसको रेखा जी ने डब किया हुआ था सौंदर्य राधा ठाकुर हीराज वाइफ उसे भी रेखा ने डब किया था मोमी भी मोम भी मैं और मोमी भी मैं उनको लगा कि छोटी मोटी पिक्चर बना रहे किसी को पता नहीं चलेगा कर लेते हैं उनको क्या पता था सेट मैक्स पे इतनी बार आ जाएगी कि लोग उसका चप्पा चप्पा जान लेंगे सेट मैक्स वाले इतने सालों से अपने को हिंट देने की कोशिश कर रहे थे कि देखो भोफड़ी वालों पता करो किसकी आवाज है फाइनली द सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड उसके बाद डैम भाई अरे मैम ब्रा और और अच्छा और ट्रैक ट्रैक करो करो ऑडियंस कहां कहां कांड हुआ है भाई मैं रेखा जी का मैं विकीपीडिया देख रहा हूं इन्होंने आई थिंक शमिता मूवी देखी है नहीं आ, उसमें थी है अब पता नहीं अमिताभ बच्चन के साथ फ्रेम में थी कि नहीं थी मुझे फ्रेम याद नहीं है बट उसके बाद इन्होंने यमला पगला दीवाना ही की है कैमियो में सोचो कि अमिताभ बच्चन का नाम सुनके के मतलब हाँ मैं पिक्चर करूंगी अब भले फ्रेम मिले या ना मिले लेकिन उसके बाद मैं कुछ हाँ। पिक्चर नहीं कर रही भाई तो, नहीं हाँ। उन्होंने अरे यार भाई मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना वो जब एक बार एक शो में खुद से बोल सकते कि मेरे से पूछिए इससे मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होगा ठीक है <laughs> उसके बाद वो अवार्ड जब मिला तो उसमें वो ताली वाला सीन ठीक है तो ये तो भाई शी इज नॉट हाइडिंग एनी थिंग अभी भाई भाई वो भाई फीमेल एक्टर्स अक, की वो भाईजान है ठीक है आज आ जाओ आज एक्सेप्ट कर लूंगी अरे भाई बिग बॉस में शायद वो एक बार आई थी उन्होंने वीडियो भी है तो वो जो सेलिब्रिटीज का एक पार्क छोटा सा होता है ना सुबह वो टहलने जाते हैं हाँ तो बता रही थी कि जब वो रेखा सुबह जब जाती थी पार्क में जॉग या टहलने के लिए तो एक बच्चा मुझे साइकिल से फॉलो करता था और वो था सलमान खान और सलमान खान स्टेज पे पैर पकड़ लिए रेखा जी की कि मैंने बोला मत बोला मत भाई तो भाईजान शुरू से ही ड्राइवर हैवी ड्राइवर रहे है। यार लेकिन देखो आज के बाद से ना सूर्यवंशम को देखने का नजरिया बदल गया भाई अब तो मैं फिर से देखना चाहता हूँ यार यार, यार एक बार फिर से देख रहा हूँ। हम्म लेकिन मतलब होता मत... है कि आप एक बार आपको सीक्रेट पता चल जाता है तो आप फिर उसके अगले पर्सपेक्टिव की तरफ से सोचने लगते हो कि यार एक ओ ओ इस सीन का ये मतलब था ये खीर इसीलिए जहरीली थी शिट भाई यार कहना तो पड़ेगा कि अब विकीपीडिया पे भी देख के कि उसने शमिताभ के बाद कोई पिक्चर नहीं करी वो मिली नहीं ना अभी कल की में बोल देते गेस्ट रोल में तो तुरंत आ जाती वो तुरंत ओ टाइम अह मोहित भाई बस वाली यू नो व्हाट टू डू नाउ नागाश्विन पार्ट 2 पार्ट 2